पिछोर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 दिन में किया दहेज हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार। 14 फरवरी को बमनी थाना बड़ा मलहरा जिला छतरपुर निवासी रामरतन ने पिछोर थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि दहेज के लिए मेरी गर्भवती बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, जैसे कि मेरी बेटी बहुत प्रताड़ित हो रही थी। ससुराल पक्ष ने मेरी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर धारा 498 एवं धारा 304 बी के तहत दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोपी सास और पति फरार चल रहे थे। आज आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में पिछोर SDOP प्रशांत शर्मा, थाना पिछोर प्रभारी नितिन भार्गव, बालकृष्ण अहिरवार, प्रतिपाल सिंह, ब्रजेश भार्गव, आनंद शर्मा और महिला आरक्षक ज्योति गुप्ता, साथ में प्रदीप गौरव आरक्षक की भूमिका अहम रही। ये दिनांक 14 फरवरी 2023 को थाना पिछोर में एक दहेज हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। उसी तारतम्य में आज प्रकरण के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और उसकी माँ ऊषा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है।